दोस्तों यह है फेमस यूट्यूबर जट प्रभजोत, जिनका नेपाल में एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट के बाद वो अपने लोगों से जो उनके आसपास थे पूछते हैं मॉर्फिन की सेवाएं देखते हैं। जब गाड़ी से निकालने से पहले मॉर्फिन देना, मॉर्फिन मैं मर जाऊंगा, मजा नहीं। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि जट प्रभजोत नेपाल क्यों गए तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जट प्रभजोत ने दिवाली से पहले एक बाइक खरीदी थी जो कि कावासाकी S2 है, जो कि 50 लाख उसकी कीमत बताई जा रही है। तो उसके एक हफ्ते के बाद ही इन्होंने नेपाल टूर के लिए प्लान किया और ये दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से नेपाल पहुंच गए। जब ये नेपाल में पहुंचे तो ये अपनी बाइक को चला रहे थे, तो उसी बीच इनका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट इतना भयानक था कि इनकी बाइक बहुत दूर और ये उस बाइक से और ज़्यादा दूर जा कर के गिरते हैं। और बताया जा रहा है जिन लोगों ने इनको देखा उस समय, तो एक नेपाली नागरिक की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई इनके बाइक से एक्सीडेंट के कारण। उन बुजुर्ग की एज 79 साल बताई जा रही है। और जट प्रभजोत की जो बाइक है उसके पड़खच्चे उड़ चुके हैं और उसके साथ साथ जट प्रभजोत के दोनों पैर डैमेज हो चुके हैं और उनका काठमांडू में इलाज चल रहा है। और बताया जा रहा है कि जिन बुजुर्ग की मृत्यु हुई है इनके बाइक के द्वारा, तो वो लोग काफ़ी गुस्से में हैं। तो हो सकता है जट प्रभजोत को नुकसान पहुंचाने की भी सोचे, तो पुलिस काफ़ी तैनात कर दी गई है ताकि इनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। और आप लोग भी प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द इंडिया लौट आएँ। सो आइए हम देखते हैं उस जगह को जहाँ पर जट प्रभजोत की बाइक का एक्सीडेंट हुआ।